और अब हम बात करेंगे क्रिकेटर्स की नहीं बल्कि क्रिकेटर्स के प्रशंसकों की। पुणे में होने वाले वनडे मैच से पहले सचिन के प्रशंसक ने उनकी 20,000 तस्वीरों की एक प्रदर्शनी नेहरू स्टेडियम में लगाई है। पुणे में सचिन तेंदुलकर के एक डाई हार्ड फैन है, उन्होंने सचिन की कई सारे चित्र, कई सारे फोटोग्राफ्स पिछले 16 सालों से जमा किए हैं, वो उनका प्रदर्शन यहाँ लगा हुआ है। आइए, हमारे साथ मौजूद है सचिन के डाई हार्ड फैन राजू गायकवाड़। कब से आप ये करते हैं? क्रिकेट का मैं बचपन से फैन हूँ और मैं सभी प्लेयर का लास्ट 33-34 ईयर से कर रहा हूँ बचपन से, और सचिन का लास्ट 16-17 ईयर से सब कलेक्शन कर रहा हूँ। अभी मेरे पास सचिन के 20,000 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स है और कटिंग्स है, और उसका मैं हर साल एक या दो बार एग्जीबिशन भराता हूँ अलग अलग। क्यों आप सचिन के इतने डाई हार्ड फैन है? सचिन ऑटोमेटिकली हो गया, एकदम गॉड गिफ्ट है। तो एकदम सबसे अलग बैटिंग है उनकी एकदम, और वो एक 100% फील्ड में देते हैं। या सचिन ने कभी आपका ये पूरा प्रदर्शन देखा है? हाँ, सचिन ने देखा है सब एक एग्जीबिशन ये दो, और उनको भी बहुत अच्छा लगा, वो अप्रिशिएट किया बहुत। सचिन के अलावा और किस किस क्रिकेट प्लेयर के आपके पास फोटोग्राफ्स है? दुनिया के सभी क्रिकेटर्स के फोटोग्राफ्स है, उसमें स्टीव वॉ, ब्रायन लारा, शेन वॉन, एलन बॉर्डर, ऐसे सभी देशों के, इंजमाम उलक, वसीम अकरम, सभी देशों के सभी मेन प्लेयर के बहुत कलेक्शन है मेरे पास। ये थे राजू गायकवाड़, सचिन के डाई हार्ड फैन, जिनके पास सचिन के 20,000 से भी ज्यादा फोटोग्राफ्स है और दुनिया के कई सारे क्रिकेट प्लेयर्स के उनके पास फोटोग्राफ्स है। आज जो लगाए गए हैं फोटोग्राफ्स वो उनके संग्रह का सिर्फ 10% हिस्सा है। वेंकटेश चपलगांवकर, स्टार न्यूज, पुणे। ये है स्टार। देख रहे हैं स्टार न्यूज, आपको रखे आगे। नमस्कार, मी वैशाली, आपण पाहताय झी न्यूज मराठी, मुंबई दिनांक। या सामन्याबाबत सर्वसामान्य क्रिकेट प्रेमींमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे, विशेषतः पुणेकर तर त्यांच्या शहरात भारतीय संघाचा सलग चौथा विजय साकार होताना पाहायला अत्यंत उत्सुक आहेत। दोन्ही संघांनी आज सराव केला तेव्हाही पुणेकरांनी आपल्या आवडत्या खेळाडूंना पाहायला गर्दी केली होती। मालिकेत 3-0 अशी आघाडी घेतलेला भारतीय संघाचा आत्मविश्वास उंचावलाय। श्रीलंकेपुढे मालिका गमावण्याचं संकट आहे, क्रिकेट रसिकांना मात्र भारताच्याच विजयाची अपेक्षा आहे। मैदानावर खेळाडूंचा सराव पाहण्यासाठी आणि शक्य झाल्यास ऑटोग्राफ घेण्यासाठी चाहत्यांनी एकच गर्दी केली होती। कल की मैच इंडिया जीतेंगी और ये कल की मैच में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी, और गेंदबाजी में इरफान पठान और अजीत अगरकर, हरभजन सिंह वो अच्छी गेंदबाजी करके भारत को जिताएंगे। कल का मैच जीतेगा, 7-0 से जीतेगा, और मैं चाहता हूँ कि कल इरफान पठान अच्छी बॉलिंग करे और मोहम्मद कैफ कल सेंचुरी मारे। मैदानाबाहेर चाहत्यांची गर्दी तर आहेच, मात्र सचिनच्या एका चाहत्यानं मैदानात पोहोचण्यात यश मिळवलंय। राजू गायकवाड या सचिनच्या चाहत्यानं मैदानाच्या जाळ्यावर आपल्या संग्रहातील सचिनची शेकडो पोस्टर्स चिकटवून सर्वांचंच लक्ष वेधलंय। सचिन तेंडुलकरचे आता माझ्याकडे 20,000 जास्त फोटोग्राफ्स, माहिती, कटिंग्स आहे, आणि त्याचे मी वारंवार एक्झिबिशन भरवत असतो। चाहत्यांचं प्रोत्साहन आणि विजयी सामन्यामुळे भारतीय संघ पुण्यातला सामना जिंकून 4-0 अशी आघाडी घेत मालिका खिशात घालतात का हे गुरुवारीच स्पष्ट होणार आहे। पुण्याहून अद्वैत मेहतासह वैशाली गायकवाड, झी न्यूज मराठी। दिवसभरातल्या विशेष घडामोडींसह झिरो अवर, पाहत रहा झी न्यूज मराठी। नमस्कार, मी राजेंद्र हुंजे, दुपारच्या राष्ट्रीय बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवातीला एक नजर ठळक घडामोडींवर। सचिन तेंडुलकरचे असंख्य चाहते आहेत,
सचिनच्या अशाच एका पुण्यातल्या चाहत्यानं त्याच्या 20,000 छायाचित्रांचा संग्रह केलाय. राजू गायकवाड असं त्याचं नाव. आज होणाऱ्या एकदिवसीय सामन्यापूर्वी खेळाडूंच्या सरावाच्या वेळी त्यानं नेहरू स्टेडियममध्ये सचिनच्या छायाचित्रांचं प्रदर्शन भरवलं होतं. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून गायकवाड यांनी सचिनचा जीवन प्रवासच मांडलाय. दुपारी 3 वाजता. नमस्कार.